महाराष्ट्र में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में पुलिस लगातार नए खुलासे कर रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ में अब एक और बड़ी बात सामने आई है। अब पता चला है कि लॉरेंस के सगे भाई अनमोल बिश्नोई से शूटर्स की बात हुई थी। इस हत्याकांड के बाद शूटर्स के मोबाइल फोन में कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिससे इस हत्या में सीधा लॉरेंस और उसके गैंग का नाम सामने आया है। दरअसल शूटर्स ने लॉरेंस बिश्नोई के सगे भाई अनमोल बिश्नोई, जो कनाडा में रहता है, उससे हत्या से पहले बात की थी। उसने शूटर्स से एक मैसेजिंग ऐप पर बात की थी और अनमोल बिश्नोई ने शूटर्स को बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जिशान सिद्दीकी की फोटो भी इस ऐप के जरिए भेजकर उनकी हत्या की सुपारी दी थी। इसके अलावा पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाने से पहले करजत खोपोली रोड पर स्थित एक जंगल में जाकर पिस्टल से फायरिंग की प्रैक्टिस की। आरोपियों ने पेड़ पर गोली चलाने का अभ्यास किया था। ये प्रैक्टिस करजत खोपोली रोड पर स्थित वाटरफॉल के पास पलसदरी गांव के नजदीकी जंगल में की गई थी। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी प्रैक्टिस करने के लिए कुलरा स्टेशन से ट्रेन पकड़कर लॉजी रेलवे स्टेशन गए। वहां से ऑटो रिक्शा पकड़ी और तकरीबन 8 किलोमीटर दूर पलसदरी गांव पहुंचे। अधिकारी ने जानकारी दी कि आरोपियों ने स्टेशन से ऑटो लिया और उससे कहा कि वह लोग यहां घूमने आए हैं, किसी जगह ले चलो। इसके बाद ऑटो ड्राइवर उन्हें जिस जगह लेकर गया वहां बहुत भीड़ थी। सूत्रों ने यह भी दावा किया कि इसके बाद आरोपियों ने ऑटो ड्राइवर से कहा कि उन्हें ऐसी जगह लेकर चले जहां पर पहाड़ और घने जंगल हो। इसके बाद ऑटो ड्राइवर उन्हें पलसदरी विलेज के पास के वाटरफॉल लेकर गया। आरोपियों ने अंदाजा लगाया कि वाटरफॉल की आवाज से गन फायरिंग की आवाज कुछ हद तक दबने में मदद मिलेगी। इसके बाद आरोपियों ने उस जंगल में जाकर किसी पेड़ पर 5 से 10 राउंड फायर कर गोलियां चलाने की प्रैक्टिस की थी। शूटर के फोन से भी फोटो भी शूटर्स की मिली है, जिसमें शूटर्स के हाथ में गन है। सूत्रों के मुताबिक इस केस को आधिकारिक तौर पर मुंबई पुलिस हैंडल कर रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी मुंबई पुलिस के साथ मिलकर इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की जड़ों तक पहुंचना चाहती है, ताकि टेक्निकल एविडेंस के साथ लॉरेंस गैंग पर शिकंजा कसा जा सके।